वसीम सुहेल खान ने आज, हालांकि पिछले पिछले मैच में तो उन्होंने बहुत बड़ी 52 रन दिए थे, आज बड़ा जबरदस्त बेस्ट इकोनॉमी थे उनके, चार ओवर में 25 विकेट नहीं ली, बट ही वाज डिफरेंट, बड़ी अच्छी बॉलिंग की, एक्सपीरियंस विकेटों में, बैक ऑफ अ लेंथ, वही जो हम बात कर रहे हैं कि इस पिच पे मुश्किल है, उस लेंथ पे उसने रेगुलर बॉलिंग की है सुहेल ने, सो वेल डन टू हिम एंड आई थिंक दे डिड वेल टू रिस्ट्रिक्ट, वही आई एग्री विद बिस्वा, इनकी दो विकेटें गिरी हुई थी, स्कोर शुड हैव बीन 180 इन माय ओपिनियन, आई थिंक कहीं ना कहीं इनसे ये गलती जरूर हुई है लाहौर वालों से। आपने प्री मैच में भी यही बोला था कि 180 शुड बी द स्कोर हियर, बट सुहेल खान वो बैक ऑफ अ लेंथ जो बात करते हैं, सुहेल ने पेस नहीं है बट वो एक्सपीरियंस है बिल्कुल, और विकेटों के अंदर बॉल की है उसने, और इसीलिए उसका सक्सेस यही था कि उसका जो आई सपोज जो उसकी इकॉनमी रेट था वो सिर्फ 6.25 इन सच अ गुड पिच। आज जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो नॉर्मली हमें देखने को मिलती है कि बाउंड्री बॉल खुद ही कर देता है बॉलर घबरा के, वो नहीं किया है इन्होंने, डिसिप्लिन रखा है, बैट्समैन ने बड़ी कोशिश की है इधर उधर हट के मारने की, और ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस था फर्स्ट सिक्स ओवर्स में, 39 रन 2 विकेट्स, यहाँ से जो है टोन सेट की पूरे मैच की, यही मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी बाद में बना लाहौर के लिए, वो कहीं रिकवर करने की कोशिश की बट फिर भी उतना स्कोर नहीं हुआ। एब्सोल्युटली सुहेल ने तो आज अपने आप को बड़ा, अपनी नर्व को कंट्रोल रखा, आज कैच भी कर गया, आज कैच भी बड़ा जबरदस्त किया है उन्होंने बिल्कुल, लेकिन जो स्टार बॉलर रहे क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए हफीज अकील हुसैन, आज वो बहुत एक्सपेंसिव, उन्होंने 4 ओवर में 50 रन दिए, विकेट भी कोई नहीं उठाया, व्हाट डू यू थिंक वाज गोइंग ऑन विद हिम टुडे, नॉट हिज टाइप ऑफ विकेट, नहीं पिच तो था उस पर टर्न भी था, लेकिन मुझे लगता है कि शाहीन ने जो अपने आप को प्रमोट किया और उनके ऊपर अटैक किया, दैट रियली मैटर्स, और उसके साथ जो अब्दुल्ला की क्लासिक इनिंग्स थी, कुछ शॉट ऐसे थे जो अगर आप उसको बार बार देखें तो आप सिर्फ उसको वाओ कहेंगे, तो इस तरह का जो था उनके दो, उन्होंने जो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर छक्के लगाए बहुत शानदार, शाहीन ने इनको चार्ज किया, ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो एक शानदार इनिंग्स थी इन दोनों की, एक पार्टनरशिप थी जिससे अकील जो है अनसेटल्ड हुए, और उनके वो बॉल जो नॉर्मली किसी भी टीम के खिलाफ वो सक्सेस हासिल की उन्होंने, यहाँ पे मसला आया क्योंकि अब्दुल्ला ने उनको टेक्निकल ये वो शॉट देखा, ही थॉट दैट ही माइट यूज हिज फीट और उन्होंने थोड़ा वाइड किया उसको, उनको छक्का मारा, ओवरऑल इन दोनों की पार्टनरशिप ने अकील के तमाम वो प्लान जो इसलिए वो कामयाब हुए वो उनको तोड़ा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ओवरऑल अगर इस पूरे टूर्नामेंट में किसी ओवरसीज ने मोस्ट इम्पैक्ट डाला है वो अकील है। Just a fantastic performance throughout the tournament. One bad game over there by Akil Hussain. Clearly, he had an impact for Quetta Gladiators throughout. Abhi unhone ek hat-trick bhi kiya hai.